بغار سن لے زمانہ بغار سن لے زمانہ حسین اے بغار سن لے زمانہ حسین فنا کو بنایا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چھری خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے بغور سن زمانہ درود پڑھ دیجیے دل ہی یہ چاہ رہا ہے کہ بس مولا حسین کا ہی ذکر کریں روز ہی کچھ نہ کچھ کلام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ایک کلام
हमारे दोस्त जनाब जफर भाई को भी बहुत पसंद है, तो वो आगा सरोज साहब का कलाम है, बहुत उम्दा कलाम है, आपके समातों की नजर करने जा रहा हूँ। किबला इजाजत जफर भाई, सदा दुरूद पढ़ जी बाबा दिबला। जहां किसको है इरफान सजदाए हुसैन, जहां किसको है इरफान सजदाए हुसैन, शऊर की हद आखिर है नक्श पाए हुसैन, शऊर की हद आखिर है नक्श पाए हुसैन, अभी बताऊंगा सूरज को रोशनी क्या है, अभी बताऊंगा सूरज को रोशनी क्या है, जरा जबी पर उठा लूं मैं खाक पाए हुसैन, खुदाए पाक का तोहफा कसमों अकबर, वो मुर्तजाए हसन है ये मुस्तफा हुसैन, इमाम पीछे सईद और ज़ुहर आगे हैं, अजीब अजीब ये सिलसिला है, इमाम पीछे सईद और ज़ुहर आगे हैं, ये है नमाज़े शहादत बाइक्तदाए हुसैन, जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा तब उसमे अली असगर से मुस्कुराए हुसैन, लहज में आ गए मौला भी और फरिश्ते भी, नए मकाम में हुई धूम से अज़ाए हुसैन, नए मकाम में हुई धूम से अज़ाए हुसैन, जहां किसको है दुरूद पढ़ जी बाबा दिबला। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
सलाम के चंद शार कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद मुश्किल कुशा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद मुश्किल कुशा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद कोई नबी नहीं है ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद शबीर के भाई बुलाते रहे जिसे शबीर के भाई बुलाते रहे जिसे हुर और क्या सवाल करे इस अता के बाद हुर और क्या सवाल करे इस अता के बाद कोई नबी नहीं है बोले हुसैन लाशाए अकबर
कर बोले हुसैन लाशाए अकबर को थाम कर ये हौसला किसी में था मुश्किल कुशाक बार ये हौसला किसी में था मुश्किल कुशाक बार कोई नबी नहीं है खुतबा पढ़ा हुसैन ने अकबर की लाश पर खुतबा पढ़ा हुसैन ने अकबर की लाश पर नबी है देख लो ये मुस्तफा के बाद पूरा नबी है देख लो ये मुस्तफा के बाद अब्बास से पहले वफा से लिखूं या लिखूं वफा के बाद पहले वफा से लिखूं या लिखूं वफा के बाद कोई नबी नहीं है दरबार शाम में कहो ज़ैनब ने सुन यज़ीद दरबार शाम में कहो ज़ैनब ने सुन यज़ीद डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद कोई नबी नहीं है इतने इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद
मुश्किल कुशा नहीं है कोई मुर्तदा के बाद सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद मोमिनीन, हमेशा की तरह आप लोगों से, हालांकि अभी बहुत कम लोग हैं, बाद में और आएंगे, आप लोगों से ये गुजारिश है कि जिस तरह से आप हमेशा इस इदारे की मदद करते हैं, ये सारा इंतज़ाम आप लोगों की ही मदद से ये सब होता है, तो उसको आप ध्यान में रखें। जो भी आप लोगों से हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जारी रखें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد يقول من أنت الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سرنامه قرآني سورة مبارك ہے آل عمران کی ایک آیت ہے اور موضوع جو ہے زیر بحث وہ راز قدرت اور حسین ہرچند کے مجھے احساس ہے ابھی تک اس عنوان کے تعلق سے جس طرح میں مطالب گزارش کرنا چاہ رہا تھا گزارش نہیں کر سکا اپنی صحت کی کمزوری کے لیے مگر کچھ اشارے ضرور ہو سکے ہیں اب تک اور آج اس امر کی طرف ملتفت کر دوں کہ جو آیت روزانہ تلاوت کر رہا ہوں اگرچہ یہ آیت بہت مختصر ہے بظاہر لیکن اپنے مضمون اور معنی کے اعتبار سے نہایت جامعیت کی حامل ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ اِنَّا کے جو حرف تحقیق و تاکید ہے اس سے گفتگو شروع کی گئی ہے کہ بے شک بتحقیق یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور یہ روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں بظاہر کتنا سادہ بیان معلوم ہوتا ہے لیکن ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ گویا حق سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے کہ تم غور تو کرو خلقت سماوات و ارض میں یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بہت نشانیاں پوشیدہ ہیں بہت نشانیاں ہیں کہ اس میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں اور واختلاف اللیل والنہار اور رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں بہت نشانیاں ہیں لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے جوہر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جیسے یہ بات کہی گئی تو جو بیدار ذہن ہیں جو بیدار دل ہیں ان میں شوق نہیں پیدا ہوگا جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ یہ کس کی آواز ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں تو چلو دیکھیں تو صحیح کیا نشانیاں ہیں جیسے ہی آپ نے اس جستجو کا آغاز کیا کہ کیا نشانیاں ہیں وہیں آپ کا وہ سفر شروع ہو گیا جو منظور نظر الہی ہے وہ آپ کو ساکت و صامت و جامد نہیں دیکھنا چاہتا حق سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ حرکت جوہری کے تابع رہیں بڑھتے رہیں آگے اور اٹھتے رہیں بلندیوں کی طرف یہ آیت یہ آیات یہ نشانیاں یہ سب اسرار قدرت ہیں بلکہ ایک ایک آیت اور ایک ایک نشانی کے پیچھے نہ جانے کتنے رازہائے قدرت پوشیدہ ہیں آیات کی قسمیں آیت قرآن مجید میں
خود لفظ آیت کئی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں سے ایک معنی خود معجزے کے ہیں. ہم لوگ علم کلام کی زبان میں یا عرف عام میں جسے معجزہ کہتے ہیں قرآن اسے آیت کہتا ہے. قرآن مجید میں لفظ معجزہ نہیں آیا ہے. البتہ اس روٹ ورڈ سے اس مادے سے اور بعض الفاظ آئے ہیں جیسے معجزین کا لفظ آیا ہے اور الفاظ آئے ہیں لیکن خود لفظ معجزہ نہیں آیا ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں ہم آپ استعمال کرتے ہیں. اس مفہوم میں لفظ آیت ہیں اور بار بار قرآن مجید نے اعلان کیا کہ کائنات میں اللہ کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں, بکھری ہوئی ہیں اللہ کی آیتیں اپنی وحدانیت کے تعلق سے, اپنی حقانیت کے تعلق سے, اپنے کلام قرآن مجید کی حقانیت کے تعلق سے, اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور ان کی حقانیت کے تعلق سے اس کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے اور ان نشانیوں کو بلکہ برسبیل استقراء اگر ہمت ہو, حوصلہ ہو, اور یہ ہمت نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یہ حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو انسان اپنے غور و فکر کا محور بنائے, اس کا مطالعہ کرتا جائے. اور اگر حب الہی کا چراغ روشن ہے, اگر دل میں آتش عشق الہی موجود ہے, تو پھر انسان سکون سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک ایک آیت کا مطالعہ نہ کرنا, جو کہ آسان نہیں ہے. بلکہ ہم اپنی انسانی محدودیتوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے تو بھی درست ہے, ممکن نہیں ہے کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام آیتوں, تمام نشانیوں کا احاطہ کر سکیں, احصا کر سکیں. لیکن وہ آتش شوق, وہ آتش عشق, وہ انسان کو ضرور مجبور کرے گی کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آگے بڑھ سکیں, جتنی اللہ کی نشانیوں کا مطالعہ کر سکیں, جتنی اللہ کی آیتوں کا مطالعہ کر سکیں, جتنے معجزات کا مطالعہ کر سکیں. اور اس لحاظ سے میں ایک جملہ یہاں ٹھہر کے عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو خود انسان کا وجود ہے, آپ کا وجود. آپ کا وجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. وائے ہو اس انسان پر جو اپنی جہالت و نادانی اور کچھ فکری اور کچھ اندیشی کی وجہ سے اپنی زبان سے اللہ ہی کا انکار کرے جبکہ اس کا پورا وجود اللہ کا اعلان کرتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ محمد و آل محمد. غور فرمائیں آپ, انسان کا پورا وجود تو اللہ کا اعلان کرتا ہے اور وہی انسان اپنی اس چھوٹی سی زبان سے اللہ کا انکار کرے, کیسی کیسی کج اندیشی ہے, کیسی کج فکری ہے, اور کیسی محرومی سی محرومی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں. تو انسان خود ایک آیت الہی, ایک نشانی ہے اللہ کی. وہ مشہور شعر ہے عربی کا, اکثر میں دہرا دیتا ہوں کہ وفی کل آیت وفی کل شیء لہ آیت,
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ہر شے میں ایک نشانی ایسی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات پاک ایک ہے, ایک ہے. دیکھیے اس شعر کا حسن یہ ہے, واقعا یہ یاد رکھنے کے قابل ہے شعر. اس شعر کا حسن یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر شے دلالت کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے, یہ شاید ہر شے میں کوئی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی معبود ہے, نہیں, وحدانیت کی بات کر رہی ہے. یہ بیت وحدانیت کی بات کر رہی ہے, شعر وحدانیت کی بات کر رہا ہے کہ ہر شے میں ایک ایسی نشانی پائی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے. تدل علی انہ واحد. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا, معبود برحق کا, خالق کا اقرار بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے, اور اس کی وحدانیت کا اعتراف بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے. اور اسی لیے میں یہ جملہ ابھی کہیں عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کروں کہ بت پرستی انسانی عقل کی توہین ہے. صنم پرستی انسانی عقل کی توہین ہے. غالباً کل رات کی تقریر میں نے عرض کیا تھا, جو یہاں اس مجلس کے بعد میں نے گزارش کی تھی, کہ اس پوری کائنات میں جہاں تک سورج کی روشنی میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان آنکھوں کو, اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ معبود کہہ سکیں. اس پوری کائنات میں, یا کم سے کم جہاں تک سورج کی روشنی میں آپ کی نظر کام کرتی ہے, جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے, اس میں کوئی شے اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے سر جھکا سکیں. نہ خود سورج, نہ سورج کی فیملی کا کوئی اور فرد, نہ زہرہ, نہ مشتری, نہ عطارد, نہ یہ بڑی بڑی عظیم و شان سیلیسٹریل باڈیز, یہ جو اجرام سماویہ کہلاتی ہیں, یا وہ ستارے اور سیارے, اور یا پھر اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ, یا بڑے بڑے درخت, یا بڑے بڑے حیوانات, یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تراش تراش کے حسین مورتیاں بنا لیں اور پھر اس کے آگے سجدہ کریں, مگر اس سے زیادہ بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے عقل انسانی؟ عقل انسانی کی اس سے بھی بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے, تحقیر عقل انسانی کی؟ ہاں, یہ سب چیزیں نشانیاں ہیں, اور ہر شے میں کوئی ایک ایسی بات, ایسا راز, ایسا سر پوشیدہ ہے پوری کائنات, پورے عالم ہستی میں, ہستی کے تمام مظاہر میں وہ اسرار پوشیدہ ہیں, وہ راز ہائے قدرت پوشیدہ ہیں جو ذہن انسانی کو اس حقیقت یکتا و یگانا کی طرف ملتفت کرتے ہیں, متوجہ کرتے ہیں, منتقل کرتے ہیں, اور دل کو اس کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن یہ انسان ہے جو اکثر نشانیوں کو دیکھ کر غفلت برتتا ہے, اس لیے ہم ان مجالس میں بطور خاص ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ایسی ناطق نشانیاں ہیں جن کے آگے آ کے کوئی بھی سرکش, کوئی بھی طاغوت کچھ کر سکتا ہے مگر خدا کا انکار نہیں کر سکتا. دن رات آیات
इलाही ही का तो मतलब करते हैं। साइना हजरत आयात इलाहिया का मतलब करते हैं, इस नेचुरल वर्ल्ड में जो कुछ है उसकी स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, थॉरली स्टडी करते हैं, फिर भी अल्लाह का इनकार करते हैं, मगर ये आयतें खामोश रह जाती हैं। मगर ये मुमकिन नहीं है कि कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और अल्लाह की बात शुरू हो और फिर वो उठ के चला जाए, अल्लाह का मुनकिर ही रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के महजर में आए और फिर वो गुफ्तगू करे, मनाजरा करे और फिर मुलहिद का मुलहिद रह जाए। ये मुमकिन नहीं है कि कोई हसन और हुसैन के सामने आए, गुफ्तगू करे और फिर भी दहरिये का दहरिया रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए एक कुरान नहीं बल्कि इस आलम हस्ती में जितनी अल्लाह सुबहानहु व तआला की आयतें हैं सब सामित हैं, और ये वो हैं जिन्हें अल्लाह की नातिक निशानियां कहते हैं। ये अल्लाह की नातिक निशानियां, मुमकिन नहीं है कि इनके सामने कोई आके हक का या हकीकत का या हक के किसी इस्म का या हक की किसी सिफत का इनकार करके गुजर जाए, मुमकिन नहीं। ये याद रखिए, कल भी मैंने ये बात इशारतन अर्ज की थी और आज भी मुतवज्जह कर दूं कि इस कायनात का मुताला करने के लिए आपको कुरान हकीम ने हुक्म दिया है, हर चीज़ का मुताला कीजिए, यानी साइंसी उलूम नेचुरल साइंसेस में खूब काम कीजिए, अपने बच्चों को, जो ख्वातीन मेरी बातें सुन रही हैं, जो मर्द मेरी बातें सुन रहे हैं, वो याद रखें कुरान मजीद का हुक्म है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से फ़र्ज है, सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप पर यह फरीज़ा आयद किया गया है कि आप अपने बच्चों को, खुद आप और आप अपने बच्चों को नेचुरल साइंसेस के मुताले की तरफ ले जाएं, साइंटिस्ट बनाएं, ज़मीन से आसमान तक, स्पेस से मुतालिक जो साइंसेस हैं उनमें, ज़मीन से मुतालिक जो साइंसेस हैं उनमें, साइंसी मौजूआत पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करें, तो फरीज़ा समझ कर, इबादत समझ कर, जैसे एक परहेजगार इंसान नमाज पढ़ता है फरीज़ा समझ कर, रोज़ा रखता है फरीज़ा समझ कर, हज करता है फरीज़ा समझ कर, उसी तरह फिज़िक्स पढ़िए और पढ़ाइए फरीज़ा समझ कर, केमिस्ट्री पढ़िए और पढ़ाइए फरीज़ा समझ कर, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेस, ये सब पढ़िए और पढ़ाइए फरीज़ा समझ कर, और हुजूर की आरज़ू को पूरा कीजिए, मिल्लते उम्मते सलमान फारसी के नक्श कदम पर आगे बढ़िए। मैंने उम्मत सलमान फारसी कह दिया ताकि आसानी से जहनों तक बात पहुंच जाए, वरना हजरत सलमान को सलमान फारसी कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने नस्बत बदल दी थी, इसलिए सलमान सलमान मुहम्मदी है। क्या शीरी, क्या शीरी वो वाक़या है, क्या लतीफ़ वो वाक़या है कि जिसमें किसी ने नऊज़ु बिल्लाह अरबी नखवत के तहत पूछा, सलमान तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारा नसब क्या है,
तो सलमान ने फख्र से कहा, अना सलमान इब्न इस्लाम, मैं सलमान हूँ फरजंद इस्लाम। इसमें कितना बड़ा दर्स पोशीदा है। आप कहीं के हों, हिंदी हो, चीनी हो, जापानी हो, अमेरिकी हो, अरब हो, ईरानी हो, आपको इब्न इस्लाम होना चाहिए। आदमी होने की हैसियत से, इब्न आदम होने से ज़्यादा बड़ा शरफ आपके लिए है इंसान होने की हैसियत से इब्न इस्लाम होना। कितनी अजीम निस्बत है। और जब आप इब्न इस्लाम बनेंगे तो मालूम है क्या एहतराम मिलेगा आपको, किस मुकद्दस हलके में दाखिल हो जाएंगे। जब इंसान अपने पूरे वजूद के साथ खुद को इब्न इस्लाम बना लेगा तो जो अबुल इस्लाम है वो कहेगा, हाजा मिन्ना अहलल बैत, ये तो हम अहले बैत में से है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बहरहाल तो एक तो ये कि साइंस का मुताला कीजिए संजीदगी से, दूसरी बात ये दो जाविये हैं, ये दो सोर्सेज हैं। एक तरफ है साइंस, इंसानी कोशिशों के नतीजे में उलूम का सरमाया, और एक तरफ है वही, वही इलाही। बहुत पहले मुझे याद आता है छोटा सा कोई दर्स था, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान अपनी अक्ल की रोशनी में जितना सफ़र तय करता है, जहाँ तक अक्ल की रोशनी काम आती है काम आती है, जहाँ अक्ल की रोशनी काम नहीं आती वहाँ अक्ल को जो शय रोशनी दिखाती है वो वही है, वो वही इलाही है। इसलिए आप जो अपनी इंसानी कोशिशों से राज़हाए कुदरत डिस्कवर करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपसे ख़ता मुमकिन है, ख़ताए इज्तिहादी हर जगह मुमकिन है। लेकिन जब उधर से कोई नबा लेकर आता है, उधर से कोई ख़बर लेकर आता है, उधर से जो वही आती है खालिक़े कायनात की तरफ से जो राज मुनकशिफ किए जाते हैं उसमें ख़ता का इम्कान नहीं है, उसमें ख़ता का इम्कान नहीं है। ये और बात है कि वो इसीलिए हक़ सुबहाना व तआला ने अपनी तरफ से आने वाले पैगंबरों के लिए भी एक कुछ निशानियां तो ये हैं जो उसकी ज़ात और वहदानियत पे दलालत करती हैं, लेकिन कुछ निशानियां वो हैं कि जो उसकी तरफ से आने वाली शख्सियतों की सदाकत पर दलालत करती हैं। चनानचे जो लोग मौजज़ात का इनकार करते हैं उनके लिए ये एक नुक्ता ही बहुत अहम है कि भाई यूँ तो दुनिया में कोई भी उठ के कह दे मैं नबी हूँ, कहीं से भी उठ जाए, आपके पंजाब से उठ जाए, आपके सिंध से उठ जाए, आपके बंगाल से उठ जाए, कोई तेहरान से उठ जाए, कोई वो साल्ट लेक सिटी अमेरिका से उठ जाए, कहीं से जिसका दिल चाहे वो उठ जाए, मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल हुई है, आप मान लेंगे? अगर आपने मान लिया तो मालूम है क्या होगा, आप इंसानी फितरत से खारिज हो जाएंगे, आप कुछ भी होंगे इंसान कहलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। यूं ही एक शख्स ने कह दिया मैं नबी हूँ, आपने ईमान तस्दीक कर दी उसकी और आप उस पर ईमान ले आए। ये लाजिम है कि जब भी कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से ओहदा रखता हूँ, मनसब रखता हूँ, तो आप उससे उसकी सनद दरियाफ्त करें। अब आम तौर पर तालीमी मराहल में ये मिसालें दी जाती हैं, चलिए मैं पहले दे चुका हूँ मैं भी, और इस वक्त भी दोहरा देता हूँ ताकि बच्चों नौजवानों के लिए एक
मिसाल रहे, आम मिसाल है, मिसालें तो आमतौर पर आम होती हैं। इंग्लैंड का कोई शख्स यूके का भारत चला जाए और एयरपोर्ट पे उतर के कहे कि मैं एम्बेसडर बना के भेजा गया हूँ, कोई तो भारत का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है मान लेगा? वो कहेगा जनाब वो एम्बेसडर के कुछ खास कागजात होते हैं, वो दिखाइए तो हम मान लेंगे। ऐसे ही आप चले आए और आपने कहा कि मैं एम्बेसडर हूँ तो हम मान लेंगे। ऐसे ही कहीं का कोई शख्स आ जाए, भारत से कोई उठ के चला जाए इंग्लैंड और हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतर के कहे कि मैं एम्बेसडर हूँ, नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे भेजा है एम्बेसडर बना के, तो वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो मान लेगा या वहाँ की गवर्नमेंट मान लेगी? ना आवाम ना खवास, ना गवर्नमेंट ना पब्लिक, कोई तस्लीम नहीं करेगी। तो आप एक कंट्री के एम्बेसडर को ऐसे ही नहीं तस्लीम करते, और अल्लाह की तरफ से जिसका जी चाहे उठ के कह दे मैं नबी हूँ और आप तस्लीम कर लेंगे? वहाँ लाजिम है कि आप उसकी नबूवत, उसकी रिसालत, या अगर कोई कहे मैं अल्लाह की तरफ से इमाम हूँ तो फिर उसकी इमामत की सनद, गवाही, सर्टिफिकेट तलब करेंगे। इसी गवाही, इसी सर्टिफिकेट, इसी निशानी का नाम है मुअज्जज़ा। क्यों मुअज्जज़ा ही क्यों? यानी सिर्फ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर, अच्छी सीरत, अच्छा तौर तरीक़ काफ़ी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये साहब बहुत अच्छे हैं, बचपन से मैं जानता हूँ, कभी इन्होंने ज़बान से एक कलमा झूठ नहीं कहा और कभी किसी मुहमल किस्म के खेल में मशगूल नहीं हुए, कोई बेहुदा बात नहीं की इन्होंने, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये रसूल है अल्लाह के, ये बात माकूल होगी। कितना ही इंसान खुश सीरत हो, कितना ही इंसान खुश फिक्र हो, आलिम हो, फाजिल हो, सब कुछ हो, मगर हम उसे अल्लाह का रसूल नहीं कह सकते। अल्लाह का रसूल होने के लिए कोई ऐसी ही निशानी होनी चाहिए जिस पर सबको यकीन आ जाए कि ये खुद साख्ता नहीं है, ये खुदा साख्ता है। इसे इसने खुद इद्दिया नहीं किया है, खुद दावा नहीं किया है, और इसके ख़ानदान ने इसको हुकूमत और सल्तनत हासिल करने के लिए नहीं बनाया है, और इसके मुल्क और माशरे के लोगों ने, इसके कबीले के लोगों ने, इसकी कौम ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसे खुदा ही ने बनाया है। खुदा ही ने बनाया है, ये साबित होने के लिए ज़रूरी है कि वो अमल सादिर हो जो किसी इंसान के बस में ना हो, जिसके आगे हर इंसान आजिज़ हो जाए, उसी को कहते हैं मौजज़ा। वो बात जो आजिज़ कर दे उसे कहते हैं मौजज़ा। इस मौजज़े में भी असरारे कुदरत ज़ाहिर होते हैं, उलमा भी असरारे कुदरत ज़ाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ मौजज़े में भी असरारे कुदरत ज़ाहिर होते हैं। और ये असरारे कुदरत चूँकि बिला वास्ते इंसान ज़ाहिर होते हैं, इसलिए यकीन हो जाता है कि कोई और ताकत है जिसने इसे भेजा है। आगाज इसका वही से होता है, खुद वही मौजज़ा है, लेकिन वही चूंकि हर इंसान जिब्राइल को नहीं देख सकता, इसलिए वही जब नाजिल होती है तो खुद जिस पर वही नाजिल होती है वो तस्दीक करता है कि यह अल्लाह की तरफ से पैगाम, और इसलिए जब वो गुफ्तगू करता है तो उसके लहजे में वो सच्चाई और वो यकीन की शिद्दत पाई जाती है, वो यकीन की चमक पाई जाती है, कि उसका यकीन और उसकी सदाकत बजाय खुद एक अजीम निशानी होती है कि ये बात ऐसी कोई मामूली नहीं है जो ये अपने दिल से कह रहा है, ये कुछ पैगाम है जो पहुंचा रहा है।
यहां पर ठहर कर मुझे, मैं कहने तो कुछ और जा रहा था लेकिन एकदम से हजरत हाफिज का एक शेर याद आ रहा है, आप हजरत एक सलावत पढ़ें तो मैं। ये वही की शान एजाजी की तरफ इशारा है, ये न समझिए कि इसमें उम्मीद की तफसीर है सिर्फ। हाफिज की एक बड़ी खूबसूरत नातिया गजल है, मैं समझता हूँ पूरी की पूरी अपने उसलूब में, ज़ाहिर तगज़ुल के उसलूब में, जिसमें उन्होंने कहा है निगार मन के बे मकतब न रफ तो खत न निविश्त, निगार मन के बे मकतब न रफ तो खत न निविश्त, बे गमजे मसअले आमूज़ सद मुदर्रिस शुद। अरे मेरा माशूक तो वो है कि जो न मदरसे गया न एक हर्फ लिखा अपने हाथों से, मगर एक चश्मे करम के इशारे से वो सारी दुनिया का मुअल्लिम बन गया। तो ये एक हकीकत है, इसमें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है कि उम्मीद के मानी है कि वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, वो पढ़ने कहीं गए नहीं, उन्होंने कुछ अपने हाथ से लिखा नहीं, और उसके बावजूद वो पूरे आलम के उस्ताद हो गए, मुअल्लिम कायनात मुअल्लिम इंसानियत हो गए, बफैज़े चश्मे करम इलाही बफैज़े वही इलाही। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और बातें तो अभी बिल्कुल तमहीदी मराहिल में हैं। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की वही के बारे में भी जो आम तौर पर मुसलमानों ने रिवायतें लिखी हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। कुरान मजीद से भी उन रिवायतों की तस्दीक नहीं होती और तारीखी कराइन से भी तस्दीक नहीं होती, अक्ल इंसानी भी तस्दीक नहीं करती कि जनाब वाला जब पहली बार जिब्राइल नाजिल हुए तो नऊज़ु बिल्लाह पैगंबर भी उन्हें पहचान नहीं सके, और जब उन्होंने पैगाम सुनाया तो वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास आए उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास, और लरज रहे थे, कांप रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान से थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन था, फरिश्ता था कि शैतान था, नऊज़ुबिल्लाह। ज़रा देखिए तो, मैं मजबूर हूँ हवाला देने पर, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर समझे जाते हैं और थे दुनियावी एतबार से, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब, सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक उनके खुतबात भावलपुर बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं, काफ़ी ज़खीम किताब शाया भी हो गई है, और उनकी तकरीरें भी, वो जो खुतबात दिए हैं उन्होंने तो वो उनकी आवाज़ में भी महफूज हैं। उसमें इतना मुझे हैरत यही होती है, और फिर इसीलिए मैं किसी को स्कॉलर और इस्लामी स्कॉलर कहने में बड़ी एहतियात करता हूँ कि उनके ज़बान से ये लफ्ज़ सुन के ऐसी तकलीफ़ हुई मुझे, यानी ये जो लफ्ज़ शैतान था, पता नहीं फरिश्ता है कि शैतान है, हुजूर कह रहे हैं पता नहीं फरिश्ता है कि शैतान है, भला बताइए मुसलमानों ने क्या हक अदा किया है अपने रसूल की सीरत निगारी का, क्या हक अदा किया। अल्लाह सुबहानहु व तआला अगर आम इंसानों से कह रहा है कि मेरे नबी को उस वक्त तक नबी न मानो जब तक कि वो मौजज़ा न पेश कर दें, तो जिसको नबी बना रहा है
उसको क्या कोई ऐसी दलील नहीं देगा कि जब मेरी तरफ से कोई फरिश्ता आए तो उसको समझो कि वो मेरी तरफ से भेजा हुआ है? एक नहीं, एक लम्हे नहीं, दो लम्हे नहीं, कई रोज तक, एक अरसे तक ये कैफियत रही कि पैगंबर तजब्जुब में रहे। और उसके बाद मैं क्या अर्ज करूं, देखिए वक्त बिल्कुल महदूद है यहाँ पर, और दूसरी तरफ से मेरी तबीयत बहुत ही, मैं तकरीर करने के काबिल नहीं था, ये तो मुंतजमीन की गलती है कि उन्होंने इंतखाब में नहीं किया। और अब जाहिर है कि फरीजा है तो पूरा करना है, तो ये मतलब अर्ज कर रहा हूँ। एक तरफ वही की कैफियत, और दूसरी तरफ जब ये बार हुजूर के ऊपर आ गया तो यहाँ तक रिवायत है कि जनाब वाला हुजूर ने एक मतलब नऊज़ बिल्ला सद हज़ार बार नऊज़ बिल्ला, ये सब रिवायतें नऊज़ बिल्ला कस्म की हैं, तो इकट्ठा बैठ के एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा नऊज़ बिल्ला कि हुजूर ने एक मरतबा पहाड़ की बुलंदी पर जाकर और नऊज़ बिल्ला क्या किया, खुदकुशी करना चाहिए, इंतहार, चाह के खुद को पहाड़ से गिरा दें, ख़त्म हो जाए किस्सा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हज़ार बार सही सही किताबों में क्या गलत गलत बातें लिखी हुई हैं। खैर, हमें इन रिवायतों से ज़रा बराबर सरोकार नहीं है, और ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि किसी पर तंज करना मकसूद हो। इन रिवायतों का मानना भी अक्ल इंसानी की उतनी ही बड़ी तौहीन है जैसे बुत परस्ती। अभी मैंने अर्ज किया था ना, अक्ल इंसानी की इससे बड़ी तजलील, तहकीर और तौहीन नहीं हो सकती कि वो बुत परस्ती करे। इंसान जिसे अल्लाह ने सरफराज बनाया, हर जानवर को आपने देखा होगा उसका सर झुका हुआ होता है, इल्ला इंसान, कि वो सरफराज है, अल्लाह ने उसका सर बुलंद किया है। आप अल्लाह के अलावा किसी के आगे ये सर ना झुकाएं, यही कदरदानी है उसकी, उसका शुक्राना यही है कि माबूद तूने सरफराज बनाया है तो अब तेरे आगे तो ये सर ज़रूर झुकेगा मगर तेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकेगा। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत अपनी जगह मुसल्लम है, और जिब्राइल को हुजूर ने पहचाने। आपके सामने कोई बच्चा पैदा हो, कितना ही बड़ा हो जाए, आप उसे पहचानेंगे नहीं? हुजूर का नूर कब खल्क हुआ? हुजूर जो इस आलम हस्ती में तायुन अव्वल की हैसियत रखते हैं, हकीकत मुहम्मदिया, नूर मुस्तफ़ाविया, जो फरमाने वाले अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज़ को खल्क किया, जिस शय को खल्क किया, जिस मखलूक को खल्क किया, वो मेरा नूर है। इसका मतलब उसके बाद जो कुछ है सब उसके बाद है, उसके बाद है। तो जिब्राइल की खिलकत खिलकत मुस्तफ़ा के बाद, जिसकी खिलकत बाद में हुई हो उसको पहचानने में हुजूर को शुभा होगा। बहरहाल, ये तो एक वो दलील है, दलील है, इसे दलील खिताबी नहीं है, लेकिन जो इस बज़्म से मुनासिबत रखती है, वरना इसके अलावा दलाइल कमी नहीं है। तो न ये कि हुजूर जिब्राइल को पहचानते नहीं थे, बल्कि जिब्राइल जब आते थे तो किस शान से बैठते थे मालूम है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जिब्राइल जब आते थे तो हुजूर के आगे यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आगे, दुर्रयतीम अब्दुल्लाह, दुर्रयतीम आमिना के आगे, यानी हज़रत अबू तालिब की आगोश के पाले के सामने,
हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम इस तरह बैठते थे जैसे एक गुलाम एक आका के सामने बैठा। यह शान मुस्तफ़ा, यह शान मुस्तफ़ा के जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका अमीन वहय इलाही, मगर हुजूर के आगे बैठते हैं कैसे, जैसे एक गुलाम एक आका के सामने बैठता है। हमारे आका हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन जनाब सैयदुल शुहदा के जुमलों में से एक जुमला है, किसी शख्स ने रास्ते में मक्के और करबला के रास्ते में मुलाकात की हजरत से, गुफ्तगू की, तो आपने फरमाया अगर तुम मदीने में मेरे घर पे आके मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें जिब्राईल के आने जाने के निशानात दिखा देता। मैं तुम्हें जिब्राईल के आने जाने के निशानात दिखा देता। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मर्तबा और आपकी नबुव्वत और शान एजाज, आपके ज़रिए से जो असरार कुदरत राजहाए पिन्हा आश्कारा हुए वो भी बहुत हैं, जो आपकी नबुवत पे भी दलालत करते हैं और हक सुबहाना हुआ ताला की वहदानियत पे भी, और ज़हन इंसानी को मुतवज्जे करते हैं कि देखो जो तुम कद्दो कोशिशों काविश करते हो, स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, मुताला करते हो, इल्म हासिल करते हो, उसके मुकाबले में भी एक सोर्स है, एक ज़रिया और है राजहाय कुदरत को आश्कार करने, वो है वही का ज़रिया, वो है नबुवत, वो है इमामत, वो है कलाम हक, वो है कुरान। अब ये बहुत बड़ा मौजू है बजाय खुद, इसीलिए सोक्रेटिस और प्लेटो से भी पहले और उस वक्त भी और आज तक भी ऐसे मकातिब मौजूद हैं जो इंसानों को इल्म के असरार हासिल करने के लिए तज़किया नफ्स और सफाए कल्ब की दावत देते हैं। ठीक है, एक ज़रिया ये है कि आप खूब मेहनत कीजिए, लिखिए, पढ़िए, रटिए, याद कीजिए, तजर्बा कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, साथ में एक ज़रिया ये है कि आप अपने आईने कल्ब पर जिला कीजिए, आईने दिल साफ हो, जितना आईने दिल साफ होगा उतने ही असरार कुदरत आश्कारा होंगे। ये नहीं कि आप नबी हो जाएंगे, ये नहीं कि आप रसूल हो जाएंगे, लेकिन दिल का आईना जितना साफ होगा उतने ही कुदरत के राज आपके दिल पर आश्कार होंगे। और अगर दोनों मेहनतें यकजा हो जाएं, इल्मी इज्तिहाद भी हो और तज़किया सैर सलूक सफाए कल्ब भी हो, ज़हन भी साफ हो, तो फिर कैसी शख्सियतें बनेंगी? फिर ऐसी शख्सियतें बनेंगी कि ये शख्सियतें अपनी ज़ात से नबी और इमाम की तरफ दलालत करेंगी, ये बताएंगी कि अगर हम ऐसे हैं तो समझ लो हमारे इमाम कैसे होंगे, हम ऐसे हैं तो समझ लो हमारे रसूल कैसे होंगे। जैसे रसूल ये बताते हैं कि हम जिसको सजदा करते हैं बस समझ लो कि वो खुदा और माबूद कैसा होगा। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब किसी को तरद्दुद हो या ना हो, मैं तो बेदरेग नाम ले सकता हूँ, मैंने अपनी इन आँखों से और इन होठों से ऐसे हाथों को बोसा दिया है कि जो अपने वजूद से दलालत करते थे कि देखो हम ऐसे हैं तो इमाम मासूम कैसा हो। वाकई मुझे बहुत फख्र है कि मैं नजफ अशरफ में एक दो मरतबा नहीं, न जाने कितनी मरतबा मैंने हजरत इमाम खुमैनी के दस्त मुबारक को बोसा दिया, और वो भी कहाँ, हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और ये मुनहसिर बे फर्द शख्सियत अपने लिहाज से तो है,
लेकिन हमारे यहाँ जो तसलसल है उलमा का, मरजाहियत का, ये बहुत ज़र्री तसलसल है, इससे गफलत ना करें। ये वो उलमा आलम हैं जो फ़कीह भी हैं, मुश्तहिद भी हैं, आरिफ भी हैं, जिनके यहाँ इज्तिहाद भी है यानी इंसानी कद्दो काविश, और जहाँ सफ़ाए कल्ब भी है कि जहाँ वाक़ियन असरार इलाही मुनकशिफ होते हैं और मासूम की चश्मे करम इन पर होती हैं। बहरहाल ये दरमियान में बात आ गई, मैं बहुत सी कड़ियाँ हस्फ करना इसमें मुनासिब नहीं समझता हूँ, चूँकि ये बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जो मजलिसें सुनते आ रहे हैं वो तो एक लफ्ज़ सुन के न जाने कहाँ पहुँच जाते हैं, आखिरी मतलब तक पहुँच जाते हैं। बच्चों के लिए मुश्किल है, हालांकि इनके लिए तो मुश्किल दर मुश्किल है, मेरी ज़बान ही मुश्किल है। ये काम आप हजरात का है कि इन बच्चों को, इन मतालिब को उनकी ज़बान में समझाएं, ये आपका फरीज़ा है। लेकिन बहरहाल इख्तिताम मजलिस से करीब आने के लिए जो मुकदमात अर्ज़ कर सकता हूँ, बस अब उन्हीं पर इक्तफा करूँगा कि नबी के वास्ते से, वही इलाही के वास्ते से और इल्हाम के वास्ते से जो राजहाए कुदरत मुनकशिफ होते हैं इन पर, वो भी बेशुमार हैं और बहुत से राज, बहुत से असरार, बहुत से आयात वो हैं जो मुस्तकबिल इंसानी से मुतालिक हैं। मसलन कौन, कब, किस वक्त, किस जगह पर, किस कैफियत में दुनिया से जाएगा, कौन बता सकता है? मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, बहुत तरक्की की है मेडिकल साइंस ने, इंटरनल मेडिसिन के शोबे ने भी और सर्जरी के शोबे ने भी बहुत तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं। मगर कोई डॉक्टर ये बता सकता है कि ये इतने बज के इतने मिनट पर और इस कैफियत के साथ दुनिया से जाएगा? जब ये जा रहा होगा तो कौन सा लफ्ज जबान पर होगा, ये कोई कह सकता है? और मैं, और अब अगर कोई कहे कि फला शख्स जब इस दुनिया से जाएगा तो मुमकिन नहीं है कि जब ये जब तक इसके गले में सलीब न डाल दी जाए उस वक्त तक ये दुनिया नहीं छोड़ेगा, और ये बात होकर रहे, या और इसी तरह, अब बस वक्त में दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वही व इल्हाम इलाही के जरिए से जो कुछ आपको मिला था वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को वदीअत फरमाया, और उसमें से बहुत से असरार इस कबील के थे कि उनको मासूमीन ने एक जगह मुदवन करके उसका नाम रखा इल्म मनाया। इल्म मनाया, मनाया मनिया की जमा है यानी मौत, कब, किसकी, कहाँ, किस तरह मौत वाकई होगी, ये पूरा इल्म और मुस्तकबिल के वाकयात, ये सरकार रिसालत माँ को भी इल्म था, अमीरुल मोमिनीन को भी इल्म था, और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाद शागिर्दों को भी उसमें से थोड़ा सा इल्म दिया था, जैसे हज़रत मीसा मेतम्मार को, जैसे हज़रत रुशैद हजरी को, हज़रत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हब्रुल उम्मा कहलाते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर कहलाते हैं, और इन्हें भी शागिर्दी हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम का भी शरफ हासिल है, मगर शागिर्दों के भी तो मरातिब होते हैं। खुद मीसम जो कि बनी हाशिम से नहीं है, ग़ुलाम थे किसी के, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मीसम को देखा, चेहरा देखा, आंखें देखी और पहचान लिया कि इसमें क्या जौहर पोशीदा है, मीसम को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बनी हाशिम में से हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन मालूम है कि इनकी सलाहियत कितनी है, इसलिए इनको जो बताना था वो बता दिया, उनको जो बताना था वो उनको बताया। अब ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत मीसम खुद आए एक दिन,
कहने लगे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो कुछ सीने में है जी चाहता है कि उसमें से थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, लो कागज़ कलम लेके बैठ जाओ और लिखते जाओ। उन्होंने लिखना शुरू किया, पहले तो खुशी खुशी, उसके बाद घबराहट शुरू हुई, फिर हैरत शुरू हुई, फिर इस्तेराब शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि कहा मीसम तुम क्या कह रहे हो, ये क्या बयान कर रहे हो, और वो कागज़ अपने हाथों से खुद फाड़ दिया। बर्दाश्त ना कर सके, तहम्मुल नहीं था और मीसम मुस्कुराते रहे। और उस मौके पर मीसम ने जो उन्हें वाकई करबला की इत्तला दी और कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आका हुसैन करबला में शहीद हो जाएंगे और तुम उनका साथ नहीं दोगे और जिंदा रहोगे। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा और आप? कहा मैं हुसैन से पहले शहीद हो जाऊंगा। बस बहुत सी बातें रह गई और यही हुआ तारीख में कि जनाब मीसम की शहादत पहले वाकई हो गई, करबला से पहले, आशूर से पहले। लेकिन आज जिस तस्करे की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ वो एक और नाम है और उन्हें भी जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बहुत से असरार, बहुत से राज़हाए कुदरत वदियत फरमाए थे, तालीम फरमाए थे और उनका नाम था हबीब इब्ने मज़ाहिर। हबीब जब करबला आए हैं तो मालूम है ना, बस अद्दामा ने वो अपनी गुंजाइश में आज जी चाहता था कि दिल खोल के हबीब के मसाइब पढ़ूँ, मगर अब जो चंद मिनट रह गए उसमें जो कुछ अर्ज़ कर सकूँगा अर्ज़ करूँगा। हबीब का बड़ा मर्तबा है, हबीब उनमें से हैं जिन्हें महफूज अनिल खता कहा जा सकता है। इंसानों की वो एक सतह जो मासूमों के नीचे होती है, जिनसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ज़िंदगी में कोई ख़ता हुई होगी, और ख़ताओं से रोकने वाली क़ुव्वत इनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? इश्क़ अली, इश्क़ रसूल, इश्क़ अल्लाह, ये सबसे बड़ी क़ुव्वत होती है जो इन्हें ख़ताओं से, गलतियों से रोकती है। ज़िंदगी में कोई एक बात आप ऐसी नहीं कह सकते कि ये गलत किया, ये खता हो गई, ये भूल हो गई, नहीं। बड़ा मर्तबा है हबीब का, इससे बड़ा क्या मर्तबा होगा कि आका इमाम मासूम सिप्त रसूल साहिब असरार खुदा इनको खत लिखें तो कहें एला रजुल फकीर, रजुल फकीर, फकीर इमाम किसी को फकीर कहें, कितना बड़ा मर्तबा। और फिर इनके सीरत समाने तो खैर बहुत वसी है, लेकिन इनकी जो शरीक हयात मोमिना थी वो खातून मुकर्रमा भी बड़ी बलंद पाया थी। मैंने किताब में ख़ुद ये रिवायत देखी कि दो मुहर्रम की शब उस मुकर्रमा ने ख्वाब में जनाब जहरा को देखा और जनाब जहरा ने बस उस मुकर्रमा से एक फकरा कहा, कहा हबीब से कहो अपने महासिन का खिजाब कर लें, यानी अपनी दाढ़ी पे खिजाब कर लें। अब इस मुकर्रमा की जहानत यह है, ये समझ गई कि मेरा शौहर शहीद होने वाला है, उसके खून से उसकी दाढ़ी खिजाब होगी, इसलिए कि अब ये उम्र नहीं है इनकी, बहुत सिन रसीदा है, ये उम्र नहीं है कि ये खिजाब करें। और बीवी के कहने का या क्या मकसद हो सकता है? दुनियावी हुस्न जीनत की बात नहीं है, बीवी तो जब भी हुस्न जीनत की बात करेंगी तो वो अखरवी और बहिश्त और जन्नत खुल्द की बात करेंगी और वहाँ सबसे बड़ी जीनत तो शहादा के खून की जीनत है। हबीब चनानचे आका हुसैन का जिस वक्त नामबर पहुँचा है, कहते हैं कि दोपहर का वक्त था और हबीब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, पास में बेटा भी था कासिम और जौजा थी, लेकिन जैसे किसी का हाथ खाने की तरफ बढ़ नहीं रहा था। हबीब ने जौजा से कहा कि
दस्तरखान लगा हुआ है तो फिर खाना शुरू करना चाहिए। राजा ने कहा मुझे जैसे कुछ इंतजार सा है, मेरा दिल कह रहा है कोई आने वाला है। तुम्हें किसका इंतजार है? मेरा दिल कह रहा हुसैन इब्ने अली का कासिद आ रहा। हबीब ने कहा हुसैन का कासिद आ रहा है, तुम्हें कैसे अंदाजा? अभी नहीं जिक्र किया, बाद में ख्वाब का तस्करा किया। लेकिन जैसे ये मुकालमा हो ही रहा था किसी ने दक्कुल बाग किया। हबीब उठकर मुस्तरबाना दरवाजे की तरफ गए, देखा कोई शख्स है। कौन हो? कहा ना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन इब्ने अली का कासिद हूं, तुम्हारे लिए खत लाया हूं। खत खोला, पढ़ा, आंखों से लगाया, बोसा दिया, खूब गिरिया किया और गिरिया इसाम पे किया, आ वो वक्त आ गया कि इस कायनात का मददगार मुझे मदद के लिए तलब करे। बस मुख्तसर कर रहा हूं जुमले, मुख्तसर, वक्त तमाम हुआ, वक्त तमाम हुआ। आप सब सुनते रहते हैं वाकयात, जिन वाकयात का तस्करा कम होता है मैं बस उसकी तरफ इशारा करूंगा। हबीब रुख्सत हुए, अपने गुलाम को भी साथ ले गए, गुलाम की दरख्वास्त पर करबला पहुंचे। और ये जुमला तो आप अक्सर सुनते हैं और हमेशा सर पीटते हैं ना। जब करबला पहुंचे आका हुसैन के महजर में बैठे ही थे कि खैमे के अंदर से कोई आया, एक कनीज आई और उसने कहा हबीब आ गए। आका अंदर से खैमे से फातिमा की बेटी जैनब ने हबीब को सलाम किया। बस यहाँ ठहर कर, उमूमन ये बात नहीं गुजारिश की जाती है जो तसलसल कलाम में भी है और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिवायत पढ़ी किताब में, इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ। जैसे ही हबीब को बीबी जैनब का सलाम पहुँचा वैसे ही हबीब ने आका हुसैन को देखा, का आका इजाज़त है कि मैं दरे खैमा तक जाऊं? इजाजत है कि मैं खैमे के दरवाजे तक जाऊं और मैं बीबी से कुछ अर्ज अदब करना चाहता हूं? कहा हबीब जाओ, तुम्हारा रुतबा यह है, तुम जाओ, तुम जैनब से गुफ्तगू कर सकते हो, जाओ। हबीब दरवाजे पर आए, खैमे के दरवाजे पर, इधर बीबी जैनब है उधर हबीब। एक मरतबा सर से अमामा उतारा, जमीन से खाक उठाई, सर पे ढालना शुरू, कभी भी अब ये दिन आ गया कि आप मुझे सलाम करें। हाँ बीबी मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या कैफियत है, आपको आका हुसैन की फिक्र है, आपको आका हुसैन की फिक्र है। बीबी मेरा दिल चाहता है, मेरे सीने में कुछ राज पोशीदा है, कुछ बातें आपके बाबा अली ने मुझे बताई थी, आज मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ और उज़्र खाही करना चाहता हूँ, आपसे पेशगी मुआफी चाहता हूँ। बीबी ने कहा हाँ बताओ। देखिए असरार तो सबको मालूम थे, बीबी जैनब को भी मालूम थे, आका हुसैन को भी मालूम थे, लेकिन ये हबीब थे, ये हबीब थे, इन्होंने अपने अंदाज से इसका इजहार इस मौके पर किया। कहा बीबी मैं जो आपसे माफी चाहता हूँ इस बात की, मैं आज रोज़े आशूर आका का साथ दूंगा और आका से कुर्बान हो जाऊंगा, मैं आज शहीद हो जाऊंगा। मुझे फिक्र यह है कि बाद में जब आपके बाजुओं में रसन बनेगी उस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, काश मुझे अल्लाह एक जिंदगी और देता। काश खुदा मुझे जिंदगी देता, मैं आका हुसैन पे कुर्बान होने के बाद फिर जी जाता और फिर आपके बाजुओं में रसन बांधने वालों से जंग करता, जिहाद करता, आपका साथ देता। बीबी गिरिया फरमाती रही, हबीब अपना मारूजा पेश करते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं, बस एक फकरा और अर्ज कर लेने दी,
बहुत सी बातें रह गईं हबीब के तस्करे में, लेकिन बस हबीब ने रोज़े आशूरा वाक़े नाका हुसैन के सामने खूब जिहाद किया और हर तरह का जिहाद किया, जबान से भी, दिल से भी, तलवार से भी। हबीब का जिहाद, हबीब का मुजाहदा बहुत अजीम शान है। और उस बुढ़ापे में ज़ाहरी एतबार से बूढ़े हबीब, ज़ईफ़ हबीब, उस वक्त बाज़ रिवायतों में कि आपने अपनी तलवार से तकरीबन 60 नामी गिरामी दुश्मनों को कत्ल किया। और उसके बाद दुश्मनों ने जब चारों तरफ से घेर लिया और हबीब रेगे गर्म करबला पर शहीद हुए और उनका सर कलम किया गया, तो जिसने सर कलम किया उसने पहले तो उस सर को खुद लश्करे उमर इब्ने साद में घुमाया, फिर आया एक एक को दिखाया फख्र के अंदाज में कि देखो हम वो हैं कि हमने हबीब का सर कलम किया है। उसके बाद उसने अपने घोड़े की गर्दन में बांध लिया। अब बस एक फिक्रा, जब 11 मुहर्रम को करबला से असीरों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ तो सारे शुहदा के सर नोके नैजा पर बुलंद थे, हबीब का सर किसी नैजे पे नजर नहीं आया। तो हबीब का बेटा जिसका नाम कासिम था उसने अपने बाबा का सर तलाश करना शुरू किया और दुश्मनों की सफ में दाखिल हुआ, देखा एक घोड़े में हबीब का सर बंधा हुआ है। उसने उस शख्स से जिसका वो घोड़ा था कहा, ये सर किसका है तू जानता है? कहा, मुझे मालूम है, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का है। कहा, तू मुझे पहचानता है? कहा, मैं नहीं पहचानता। कहा, मैं हबीब का बेटा कासिम हूँ, क्या ये मुमकिन है कि तू मुझे थोड़ी देर के लिए ये सर दे दे? यहाँ ये भी रिवायत है, बाद हजरात ने जिक्र किया है कि उसने कुछ पैसे तलब किए, इस बेटे ने पैसे दिए, बाबा का सर लाया, बाबा के सर से खून को साफ किया, जुल्फें साफ की, रीशे मुबारक साफ की, सामने रख के देर तक प्यार किया, देर तक गिरिया किया और फिर मजबूर होकर फिर सर वापस कर दिया। बाद में उसने इस कातिल से इंतकाम लिया, मगर दस्ते अदब जोड़ के बस एक जुमला कहूँगा, बाबा का सर देखकर कासिम पेसर हबीब क्या क्या तड़पा है, क्या क्या रोया है, अब आप अंदाजा कीजिए सकीना के दिल की क्या कैफियत है। तो करबला से कूफे, कूफे से शाम तक मुसलसल नोके नैजा पर निगाहों के सामने बाबा का सर है, लैला के दिल की क्या कैफियत होगी, मुसलसल निगाहों के सामने अकबर का सर है, ज़ैनब के दिल की क्या कैफियत होगी, मुसलसल निगाहों के सामने आओ ना मोहब्बत का सर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबून इस उम्मत को उम्मत कुरान और उम्मत फ़क़लैन बना दे। परवरदिगार वसीयत पैगंबर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार चिराग़े तौहीद हमारे सीनों में रोशन रहे, हमारे हाथों में हमेशा दामान ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पर गामजन रहें। परवरदिगार हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को उलूम दुनिया उलूम दीन में सरशार फरमा, कामयाबियाँ अता फरमा, कामरानियाँ अता फरमा। परवरदिगार रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ आका हुसैन के सलामी हैं, मातमी हैं, आज़ादार हैं, इन्हें ख़ास अपनी हिफ्ज़ अमान में रख। परवरदिगार फैज़ान शहादत हुसैनी को आलम इंसानियत के लिए आम कर दे। परवरदिगार इस कुरए अर्ज़ पर तमाम इंसानों को हुसैन इब्ने अली की मारिफत अता फरमा। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और आफत व अदालत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन।
हुसैन या 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 हुसैन लाए ला पे जिसने घर को लुटा।